दोस्तों, भारत का पड़ोसी चीन अपनी ताकत के दम पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कई बार ऐसा माना जाता है कि चीन को जवाब देने के लिए भारत के पास उससे ज्यादा ताकतवर हथियार होने चाहिए, जो सही है। लेकिन इन हथियारों में, जंग में काम आने वाले हथियारों के साथ साथ एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम का हथियार सबसे जरूरी है, जो भारत की इकोनॉमी को चीन से आगे ले जा सके। कुछ वक्त पहले तक चीन गरीब देशों में आता था, लेकिन उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत को बढ़ाकर न केवल खुद को गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि दुनिया के बाजार में भी कब्जा कर लिया। आज उसके पास बहुत पैसा है और उसके दम पर वो अपनी रक्षा ताकत को बढ़ाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है। पीएम मोदी की पॉलिसी ये है कि दुश्मन को हराने के लिए उसी की तरह से सोचना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद शुरू की थी, जबकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाए थे और ऐसी नीतियां बनाई कि तमाम विदेशी कंपनियां आज चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। और अब एप्पल अपने आईफोन के नए वर्जन आईफोन 16 प्रो के मॉडल भारत में बनने जा रहा है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत की टाटा कंपनी इसमें बड़ा निवेश कर रही है। तो दोस्तों, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग सहित तमाम मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रही भारत की ताकत से इकोनॉमी को मिल रही ताकत को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। भारत के बिजनेस प्लान को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन को छोड़ एप्पल ने प्रोडक्शन के लिए थामा भारत का हाथ। भारत ने निवेश को आकर्षित करने के लिए बनाई मजबूत नीति। ताइवानी कंपनी फोक्सकॉन ने भी भारत में किया तगड़ा निवेश। दोस्तों, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से भारत दुनिया भर की कंपनियों को चीन को छोड़कर भारत आने के लिए आकर्षित किया है। इसकी वजह से भारत में रोजगार के नए अवसर तैयार होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। भारत की निजी कंपनियों को भी भारत सरकार जहां नए नए अवसर दे रही है, स्पेस से लेकर डिफेंस में प्रोडक्शन के दरवाजे खोल रही हैं, वहीं उन्हें तमाम मदद करके मजबूत बना रही है। इसका सीधा असर अब भारत के आर्थिक विकास में नजर आ रहा है और भारत की GDP लगातार दुनिया में सबसे आगे बनी हुई है। भारत के आर्थिक विकास के आंकड़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कैसे भारत ने एप्पल कंपनी के निवेश को चीन के हलक से खींचकर निकाल लिया है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की बात जब भी होती थी तो चीन का नाम सबसे पहले आता था। दुनिया की सारी कंपनियां चीन की तरफ भागती थीं, लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत पैर जमा रहा है। भारत लंबे वक्त से इसके लिए काम कर रहा था और अब इसका असर दिखने लगा है। फोक्सकॉन एक ताइवानी कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी भी है। यह कंपनी ज्यादातर आईफोन और दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स बनाती है। हाल ही में यह कंपनी चिप बनाने के कारोबार में भी बढ़ रही है। उसका भी मोह चीन से भंग हो गया है। फोक्सकॉन चीफ कुछ वक्त पहले भारत आए थे और उन्होंने यहाँ कई बड़े फैसले भी लिए थे। उन्होंने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से की थी, जहां उन्होंने तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में फोक्सकॉन के निवेश पर चर्चा की थी और उसका असर अब दिख रहा है। अब ये कंपनी चीन से हटकर भारत में ही अपने कारोबार का बड़ा विस्तार करने जा रही है। एप्पल की बात करें तो कंपनी ने तमिलनाडु फैक्ट्री में हजारों कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स को लेकर कंपनी ने नया प्लान बनाया है। ये दोनों ही मॉडल्स की लंबे वक्त से चर्चा हो रही है। एप्पल चाहता है कि अब कंपनी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स भारत में ही तैयार करें। एप्पल की सारी उम्मीद फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप और टाटा ग्रुप के साथ है, जिन्होंने पहले ही प्रोडक्शन के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। लॉन्च के एक हफ्ते के अंदर फॉक्सकॉन की तरफ से यूनिट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। साथ ही एप्पल के दूसरे इंडिया पार्टनर भी ऐसा ही करने वाले हैं। इसमें पेगेट्रॉन की इंडिया यूनिट और टाटा ग्रुप जैसी कंपनियां हैं। सभी कंपनियों पर प्रो वर्जन का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि इन कंपनियों की मदद से प्रीमियम आईफोन मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी। एप्पल आईफोन 16 को 10 सितंबर तक बाजार में उतारने वाला है। आईफोन अपनी नई सीरीज को इसी वक्त पर लॉन्च करता है। आईफोन का ये वर्जन दुनिया में बवंडर मचाने वाला है, जिसका सीधा फायदा भारत को होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से भारत में हो रहा है। भारत अब सेमीकंडक्टर से लेकर हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग करने में लगा है, जिसका असर ये हो रहा है कि भारत की इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही है और 5 साल में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। भारत मोबाइल एक्सपोर्ट में चीन को दे रहा तगड़ा झटका।
वियतनाम और चीन से छीन चुका है 40% कारोबार। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की इकोनॉमी के लिए केवल लक्ष्य ही नहीं बनाया बल्कि उसके लिए रोड मैप बना के काम करना भी शुरू कर दिया था। भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने और तमाम स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम शुरू किए गए, जिनमें नई कंपनियां खोलने के लिए आर्थिक लोन और तकनीकी सहायता की भी व्यवस्था की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने निवेश आकर्षित करने में एक बात का विशेष ध्यान रखा है कि दुनिया का अधिकांश निवेश भारत में आना चाहिए और किसी भी तरह से चीन जा रहे निवेश को भारत में लेकर आना, जिसका रिजल्ट भी दिख रहा है। कई बड़ी कंपनियां चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दे रही हैं। इससे जिनपिंग के चेहरे का रंग उड़ा जा रहा है और भारत मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा खिलाड़ी बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत तगड़ा बाजार बना चुका है। 2024 में ही भारत दुनिया में जबरदस्त मोबाइल एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल के हिसाब से काफी ज्यादा है। वहीं चीन और वियतनाम का मोबाइल एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत भारत के निर्यात को बढ़ाने, प्रोडक्शन को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार प्रोत्साहन और तमाम तरह की मदद देती है, जिससे कंपनियों को देश के अंदर प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने और अपना काम करने में आसानी हो। वहीं भारत का स्वदेशी उद्योग ताकतवर हो सके। भारत में स्थिर सरकार की वजह से वो अपना 40% से ज्यादा का बाजार चीन और वियतनाम से छीन चुका है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट 2024 में $16 अरब हो गया है, जो कि 2023 में $11 अरब था। दोस्तों, 2014 से 15 में भारत में 18,900 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का प्रोडक्शन होता था, जो कि 2024 में बढ़कर 4.10 लाख करोड़ हो गया है। इसमें 2000% का इजाफा हुआ है। वहीं भारत की जीडीपी का इस वक्त वो जलवा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले G7 देशों की जीडीपी एक साथ मिलाकर भी भारत के बराबर नहीं है। इसके अलावा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास रचता जा रहा है। इस साल विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने ही इतना पैसा भेजा है कि वो तमाम छोटे देशों के सालाना बजट के बराबर है, जबकि PMI के आंकड़े बताते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, PMI मतलब विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक, जो देश के मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा तैयार करता है, हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक काफी आगे निकल गया है और चीन इस मामले में भारत से पीछे हो गया है। लगातार बढ़ रही डिमांड की वजह से भारतीय उद्योगों को टेंडर मिल रहे हैं और रोजगार में ताबड़तोड़ बढ़त मिल रही है। सर्वे के मुताबिक जून में मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़कर 58.3 हो गया, जो मई में 57.5 था। PMI के तहत 50 से ऊपर सूचकांक होने का मतलब उत्पादन में तेजी माना जाता है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दिखाता है। इतना ही नहीं, बेतहाशा नए टेंडर मिलने से कंपनियों को एम्प्लॉय भर्ती करने पड़े, जिससे जबरदस्त रोजगार जनरेट हुआ है। अगर इस मामले में दुनिया की हालत की बात करें तो भारत के मुकाबले अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग PM आए जून में 51.70 रहा, जो मई में 51.30 था। यूरोपीय देशों का PMI भी जून में काफी पीछे रहा गया है। यूरो क्षेत्र का औसत PMI जून में 45.60 रहा, जो मई के 47.30 से काफी नीचे आ गया है। अगर चीन की बात करें तो जून में मैन्युफैक्चरिंग PMI 49.5 रहा है, जिसका मतलब हुआ कि चीन के प्रोडक्शन रेट में गिरावट हो रही है और इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है वो है सरकार के कदम, तगड़ा एडवर्टाइजमेंट और मांग में बढ़त। इसी वजह से भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसी बीच देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ा है और GDP लगातार मजबूत बनी हुई है। मजबूत इकोनॉमी ही चीन जैसे देश को सबक सिखा सकती है और भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जिससे वो तगड़ा रिसर्च करके खतरनाक हथियार बना सकेगा, वहीं देश के अंदर दूसरे विकास भी कर सकेगा। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और नीतियों पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।